जी फ्रेंड्स, डॉलिंस माइक्रोवेव ऑन होता है, फंक्शन भी कर रहा है, मगर चीज़ों को गर्म नहीं कर रहा है। जो मकसद है गर्म करने का, इसको गर्म करना चाहिए। सालन सूरन हो गया, दूध सूद हो गया, बाकी कोई स्वीट वगैरह कोई डिश, वो चीज़ें नहीं कर रहा। अभी मैंने इसके अंदर पानी रखा था एक गिलास में, बर्फ गर्म नहीं किया। अब इसको खोल कर देखते हैं क्या क्या होता है। इसका ये कवर मैंने खोला है और अभी इसको लगता है ये बड़े अरसे के बाद खुल रहा है, या तो शायद खुला नहीं है पहले, है तो पुराना मॉडल टाइप। और ये है कि इसको अभी आप लोगों के सामने अभी उसका सिस्टम चेक करेंगे। ओए होए होए, इसके अंदर ये ज्वाले देखें, ये मैग्नेट ऑन। ये इसका फ्यूज चेक करेंगे पहले, ये फ्यूज़ की क्या कंडीशन है। साथ साथ इसकी सर्विसिंग भी हो जाएगी। और अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें हम प्लेस आइटम्स की मेंटेनेंस रिपेयरिंग इस तरह ये आइटम्स हमारे हैं, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, जिगजैग मशीन, UPS, बैटरी चार्जिंग इशू, इस्त्री, ओवन, और इसके अलावा गाड़ियों की, कार्स वगैरह, मोटरसाइकिलों की ट्यूनिंग, सर्विसिंग, पेट्रोल की सेटिंग, CNG की सेटिंग, इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली सारे काम इंशाल्लाह करता हूँ मैं। खैर से आप लोगों के फजल करम से, अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से ये काम जारी सारी है। और अभी इसको मैं देखता हूँ, वीडियो देखते रहिए, इसके पहले फ्यूज चेक करते हैं। इसका फ्यूज है फैन भी नहीं चल रहा, कॉइल भी देख लेते हैं। तो ये इसका टूटा हुआ है, इसके साथ इसकी ट्रिप होती है, ये यहाँ पे ये इसकी ग्रिप होती है ऐसे, और ये इसके साथ टच नहीं है, ये यहाँ से ये टूट चुका है ये चीज़, इसको निकालना पड़ेगा। जी दोस्त, तो ये यहाँ पे इसको अटैच होना चाहिए।
फिर जब यहाँ पे इसकी फिटिंग होगी और जो कनेक्शन देगा ये इंशाल्लाह। जी फ्रेंड, इसको कनेक्ट कर दिया है, इसको इसके साथ जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है, और अब इसको ब्रेक लगाते हैं। ये सेफ्टी जी, माइक्रो ओवन में जो फॉल्ट मैंने ट्रेस आउट किया है जनाब अली, वो एक तो इसका ये थोड़ा हीट अप हो रहा है, जो हाई वोल्टेज रेगुलेटर है कि क्यों हो रहा है, इसकी वजह ये थी कि इसका फ़ैन नहीं चल रहा था, एक एग्जॉस्ट फ़ैन, कूलिंग फ़ैन, ये इसकी मोटर है। ठीक है जी, ये भी मैंने खोल ली है, मैं कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और इसके जो कनेक्शन मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें ये कनेक्शन इसके उड़े हुए हैं। ये अभी इसको लगा के देखते हैं कि आया फ़ैन की जो कॉयल है वो तो नहीं चली हुई। पहले हम ये लगाएंगे, ये टांग के ये सोल्डरिंग करने के बाद फिर इसको मज़ीद चेक करेंगे कि मोटर चलती है कि नहीं चलती, क्योंकि इसकी सर्विसबिलिटी पहले ज़रूरी है। फ़ैन चलेगा तो ये कूलिंग करेगा इस सिस्टम को, जब कूल करेगा तो हीटअप नहीं होगा, फिर ये चलता रहेगा। अब इस फ़ैन ना चलने की वजह से इसको भी झटका लगा है, बहरहाल इसको भी देख लेते हैं। इसको देखते हैं, चाहे वीडियो देखते रहिए। जी फ्रेंड्स, एग्जॉस्ट फैन मेड सर्विसेबल, ट्रांसफार्मर चेक्ड इज़ ओके, एंड कैपेसिटर को चेंज किया है, ये भी शॉर्ट हो गया था, फ्यूज़ उड़ गया था, फ्यूज़ को भी रिप्लेस किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका पहले जनाब अली एग्जॉस्ट फैन बंद हुआ है, जिसकी वजह से हीटअप होके फ्यूज़ को जलाया गया, फ्यूज़ के साथ फिर इसका जो मैग्नेट्रॉन है, जो हीटिंग गन जिसे कहते हैं, उसको भी, उस पर मुझे शक था। फैन को सर्विसेबल किया, फ्यूज़ रिप्लेस किया, कैपेसिटर को भी शॉर्ट कर दिया, तो उसको भी चेंज करने के बाद जब मैंने उसको चलाया तो नहीं चला, मैंने ऑन हो रहा था सारा कोई फंक्शन का, मगर ये इसको हीट नहीं दे रहा था। फिर मैं अभी बाज़ार से लेकर आया हूँ मैग्नेट्रॉन, जो इसे हीटिंग गन कहते हैं, बाज़ार तो ठीक है, शॉर्ट वगैरह नहीं है, मगर इसके अंदर जो है ना अभी पावर नहीं देता, हाई पावर जो है ना जो हीटिंग के लिए रिप्लेस किया है, और अभी रिप्लेस करने के बाद इंशाल्लाह अभी इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ लोगों को। पानी रखते हैं, फिर करते हैं ऑन, और ऑन करने के बाद ऑन हो गया है, और अभी इसका हम टेम्परेचर चेक करेंगे, पानी क्या है, गर्म हुआ है कि नहीं। उम्मीद है इंशाल्लाह भी हीटिंग गन की वजह से भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, वो भी इंशाल्लाह भी ओके हो गया होगा, और अभी इसको जस्ट 20 सेकंड के बाद इसको करते हैं ऑफ, इसको करते हैं चेक। बिल्कुल जी, पानी हो गया गर्म, और इसका इस तरह इसका मसला हल हो गया। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।